साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज अपन बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। बहुत बेस्ट न्यूज़ है, सही एकदम बढ़िया तरीके से अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपके काम आ सकती है, अगर आज नहीं तो साल दो साल बाद में भी काम आ सकती है। समझ गए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे बात करने जा रहे हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो भाई आज हम बात करेंगे यूएई से रिलेटेड। तीन भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यूएई पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। इनका रीज़न है इस्लाम के खिलाफ, जमात के खिलाफ, वहाँ की कंट्री में रह के उनके खिलाफ गलत बयानबाजी अपनी फेसबुक या फिर सोशल मीडिया के द्वारा करना। और ये बिल्कुल आपको पता है भाई, इस्लाम कंट्री है और वहाँ पे नहीं, कोई नहीं चाहता कि हमारे धर्म के खिलाफ कोई गलत बोले। और दूसरी बात, इंडिया का आदमी वहाँ बैठ के जॉब कर रहा है, क्या मतलब है यार इन बातों का, कितनी बार लेक्चर देना पड़ेगा मुझे भी। तो थोड़ा सा कहने का मतलब है कि ये 10 आदमी हैं, 7 पहले पकड़े जा चुके हैं, 3 अभी आज की डेट 4 मई की डेट में पकड़े जा चुके हैं। तो यार क्या मतलब होता है, अब आपकी क्या हालत होगी आपको नहीं पता ना। आपका जॉब गया, आपकी इज्जत गई, आपका जॉब छूट गया, जो भी आपका मैटर था पूरा ख़त्म हो गया, इज्जत गई, अखबार में फ़ोटो आ गई, सोशल मीडिया पे छा गए, आराम से घर वालों तक न्यूज़ पहुंच गई, उधर घर वाले टेंशन में। ठीक है, 5 साल की 100% जेल होनी है, मेरी सुन लीजिए बात, 5 लाख से 10 लाख दुबई दराम जुर्माना है। ज़िंदगी में नहीं कमा पाता एक लेबर आदमी, जो 1000 दराम की नौकरी करता है ना, वो ज़िंदगी में 5 लाख दराम नहीं कमा पाता। तो मेरे भाई, इस तरह का कौन सा आपके दिमाग में कीड़ा घुस जाता है कि एक दूसरे के खिलाफ धर्म पे ये लिखो आप, ये गलत क्या क्या उखाड़ लेते हो आप फेसबुक पे, अपने गंदे वर्ड लिख के क्या साबित करना चाहते हो आप। ये इस्लाम कंट्री है, इनका कहना एक ही है कि हम किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलें तो हमारे खिलाफ गलत क्यों, समझ रहे हो बात को। मैं किसी को भाई साहब बोल रहा हूँ तो मुझे कम से कम अगला भाई साहब नहीं बोले तो मुझे मेरे नाम से तो बतला सकता है ना, मुझे गाली दे के बोलेगा तो पर मैं एक्शन का रिएक्शन तो दूंगा, 100% श्योर बात है ये। तो थोड़ा सा आप इस बात को क्यों नहीं सोचते मेरे भाई। ये बात ओनली हिंदुओं पे लागू नहीं होती है वहाँ बैठ के, मैं बता दूँ इस्लामिक कंट्री है, दुबई का तो कानून इतना शानदार है कि मैंने, मुझे आज तक किसी कंट्री का कानून ही अच्छा नहीं लगा दुबई के मुकाबले। उनके पास अगर आप हिंदू हो और आपको कोई आपका दूसरी का दूसरी धर्म का आपके धर्म के खिलाफ आप कमेंट करता है तो बाकायदा उसका स्क्रीनशॉट लेके आप सुरता पहुंचो, पुलिस में पहुंचो कि देखिए सर मेरे धर्म के खिलाफ ही ऐसे, उसके खिलाफ 100% एक्शन होगा उसकी जांच होने के बाद में। ठीक है, तो ये नहीं होता वहाँ पे भेदभाव कि आप उनके खिलाफ़ बोल रहे हो तो एक्शन ले रहे हैं, आप दूसरे खिलाफ़ दूसरा आपके खिलाफ़ बोलोगे, शिकायत करने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए 100%। आपकी भी तो किसी ने शिकायत करी है, वो कोई सपने में तो आया नहीं कि आपने गलत वर्ड लिखे, किसी ने शिकायत करी, पुलिस ने उठाया, जांच करी, आप गलत पाए गए, ये सज़ा होना, जुर्माना लगना, लाखों में इज्जत बेइज्जती, क्या मतलब है यार। इस्लाम कंट्री है भाई, दुबई कंट्री बेस्ट है, वो ये चाहते हैं कि हम किसी के खिलाफ अच्छा गलत नहीं बोलते तो हमारे खिलाफ कोई गलत नहीं बोलें। और वहाँ सभी धर्मों को इजाज़त दी गई है रहने की, सब कुछ काम करने की बराबर का हक मिला यार। दुबई में इंडिया वर्ल्ड के 200 कंट्रियों के लोग रहते हैं, मेरी सुन लीजिए, 245 के करीब वर्ल्ड में पूरी कंट्रियाँ हैं। ठीक है, और 200 कंट्रियों के लोग 15-20 से ज़्यादा कंट्रियों को नाम नहीं जानते, वो लोग भी वहाँ रहे, 200 कंट्रियों के लोग कम नहीं होते भाई। सामाजिक समानता, धार्मिक समानता, रहन सहन समानता, तभी वहाँ पे इतने लोग रहते हैं, वरना तो और भी देश अपने पड़ोस में है वहाँ तो कोई नहीं रहता। और फिर आपके दिमाग में कीड़ा कौन आपके दिमाग में घुसाता है, कहाँ से आप ऐसी न्यूज़ लेके आते हो। और मेहरबानी करके जो टीवी में चलता है ना डिबेट, ये धार्मिक डिबेट मेहरबानी करके मत देखा करो, यहाँ पे अनपढ़ लोग, बेवकूफ़ लोग बैठते हैं जो कट्टर होते हैं, जो ये उनका टारगेट ये होता है कि सामने वाले को नीचा दिखाना, और वो टीवी डिबेट में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अपन वहाँ देखते मुँह फाड़ फाड़ के, और अपना दिमाग में कचरा भर जाता है। और हम फिर आवेश में आके फेसबुक पे, अपना और तो अपनी औकात नहीं है, अपने को कौन जानता है, फेसबुक पे आपने किसी के 1000-1500-2000 फ्रेंड होते हैं उनके पास पहुंच जाता है, किसी के पास वो आगे से आगे शेयर चला जाता है, ज़िंदगी झंड बन जाती है, फिर लटकते फिरो, मरते फिरो। इंडिया में 2 महीने में 5000 से ऊपर FIR हुई है, मैं बता दूँ आपको, इंडिया में हमारे राजस्थान में 700 के करीब FIR हुई हैं।
धार्मिक पोस्ट करने के संबंधित बता रहा हूँ मैं, सिर्फ धार्मिक पोस्ट से संबंधित। जब इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में यहाँ तो लोग ध्यान ही नहीं देते, यहाँ तो लोग गौर ही नहीं करते यार, छोड़ो वो तो कितनी स्ट्रिक्ट कंट्री है यार, वहाँ तो एक्शन लेना ही नहीं है। जब इंडिया में ये एक्शन चलना लग गया, और मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूँ कि कोशिश करूँगा कि उम्मीद ये है कि यहाँ पर भी ऐसा धर्म के खिलाफ बोलने के साथ उसकी जमानत रद्द होनी चाहिए, गैर जमानती उसका वारंट निकलना चाहिए, 3 महीने से 6 महीने से पहले जमानत नहीं होनी चाहिए। जो धर्म के खिलाफ बोलने की इजाजत दी किसने यार, आप होते कौन हो दूसरे धर्म पे अंगुली उठाने वाले? हाँ अगर आपकी मेरे से नहीं बनती है तो मेरे खिलाफ बोल सकते हो ना, धर्म के खिलाफ यार हद करते हो, धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। चे धर्म सब अच्छे हैं, बुरा तो हम बोल ही नहीं सकते, और यही नतीजा होना है भाई। अगर और भी कोई मेहरबानी करके अपनी बड़ास निकाल लेना फेसबुक पे, इंडिया में भी निकालने पे यही हो रहा है, इंडिया में 5,000 से प्लस अंदर गए हैं लोग अभी लॉकडाउन के दौरान, जमानत भी नहीं होनी है, 3 से 6 महीने हाईकोर्ट से जमानत करवानी पड़ती है, गैर जमानती वारंट है इंडिया में, और वहाँ देख लो आप 5 साल की सजा है। गलत भाई ये जो खाया पिया है ना आज तक जितना वहाँ रह के, पूरा निकाल लेगा फिर भी पार नहीं पड़ने वाली, तो मेहरबानी करके थोड़ा बच लें। ये जो डिबेट है ना, धार्मिक डिबेट वाले जो सब धर्मों को वहाँ बुला लेते हैं, फिर एक दूसरे के खिलाफ बकते हैं, ये वो अपने दिमाग में वो जहर भरते रहते हैं, अपन उनकी TRP बढ़ती है, उनको उनके सिस्टम है एक, जैसे कोई भी TV चल रहा है वो डिबेट चल रही है, उन सब सब धर्मों के गुरु बैठे हैं, लोग भी यूं बैठ जाते हैं, हाँ अपना ये गुरु है, और वो एक दूसरे के खिलाफ जहर बोलते हैं और उनकी TRP यूं आती है, Top 10 में जगह पा लेते हैं, और वो कमाते हैं करोड़ों में, और अपन उनके आवेश में आके फेसबुक पे लिख देते हैं, फिर अपन कोर्टों के चक्कर काटते रहते हैं, जिंदगी झंड हो जाती है, पड़ोसी भी नहीं बतलाता यार जेल में, गांव में पता नहीं है, घर के आगे पुलिस आ जाती है तो भी लोग बात बना लेते हैं, यार इसके घर के आगे पुलिस आई थी, कितनी बेइज्जती होती है यार। जरूरी है ऐसा काम करना आप लोगों को, और मेहरबानी करके औरों को भी समझा दीजिए, ऐसी गलती धर्म के नाम पर ना करें यार, चाहे आप इस्लाम कंट्री में दुबई में बैठे हो चाहे इंडिया में बैठे हो, गलत तो गलत है भाई। आगे एक वीडियो मैं और बनाने जाऊंगा, थोड़ा सा मैं अभी तो इतनी जानकारी दे पाऊंगा, एक अच्छा सा वीडियो कोशिश करूंगा बनाने की, जितना हो सके लोगों को समझाने की, और आपका भी फर्ज बनता है भाई, आप भी अपने स्तर पर थोड़ा सा वीडियो शेयर करके या अपने स्तर पर कैसे भी थोड़ा सा आप कम से कम समझाने की कोशिश, समझाना अपना फर्ज है, कोई समझे ना समझे वो अपनी किस्मत में जाने, उनके डंडे पड़ने लाइफ में फिर, ठीक है ना। तो बस साथियों ये इंक्वायरी थी मेरे पास, जानकारी थी मैंने दे दी, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।